नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंजीनियर राजेश सर यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग जानेंगे थर्मल इंजीनियरिंग में जो टॉपिक है वो आपका कहलाता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? थर्मल इंजीनियरिंग। थर्मल इंजीनियरिंग टॉपिक है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मो डायनामिक्स। तो इसके बारे में जानेंगे, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। ठीक है, तो पहले बात करते हैं कि फर्स्ट लॉ क्या कहता था। फर्स्ट लॉ कहता था कि किसी भी वर्क को आप एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब आप क्या करेंगे, कोई भी कार्य है, कार्य को ऊर्जा में टोटली मतलब पूरा आप कन्वर्ट कर सकते हैं। यही कहलाता है इसका। अब एक वीडियो बनाई थी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में, तो यदि आपने नहीं देखी है तो देखिएगा, उसी से रिलेटेड है। तो यह कहा गया था कि प्रथम नियम के अनुसार ऊर्जा एवं कार्य एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। इसका मतलब क्या हो जाता है कि आप जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है उसको आप क्या करते हैं, हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब आपने क्या किया, जो मैकेनिकल एनर्जी है मैकेनिकल एनर्जी को आप कन्वर्ट कर सकते हैं हीट एनर्जी में। ठीक है, यही तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कह रहा था। परंतु आप संपूर्ण हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। मतलब ये तो है कि आप मैकेनिकल एनर्जी को, कार्य को, जो आपका वर्क है, वर्क को आप हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन पूरा नहीं कर सकते हैं। इसलिए यह संभावना यहां पर सही नहीं फिट बैठी कि आप पूरी एनर्जी को कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। इसलिए फिर बना ऊष्मागतिकी का सेकेंड लॉ। ठीक है, पर उसमें कुछ लोगों ने, जो वैज्ञानिक थे, जैसा कि जूल ने इस नियम को बनाया था, प्रतिपादित कर दिया था कि आप, जैसा आपने पिछले वीडियो में भी देखा होगा कि क्या है कि जब कार्य किया, वर्क किया, तो वर्क करने पे क्या था, हीट इंक्रीज हो रही थी, तो वर्क को हीट में कन्वर्ट कर दिया। और जब ही जब उस पूरी मैकेनिज्म को क्या किया उन्होंने, ठंडे पानी में डाल दिया था, तो क्या होगा, हीट ऑटोमेटिक कम हो गई। जो हीट बढ़ गई थी वो ऑटोमेटिक कम हुई। तो जब हीट कम हो गई है तो वर्क होना चाहिए। तो यही जूल ने उस नियम का प्रतिपादन किया था। तो यहां पर क्या होगा कि कुछ वैज्ञानिकों ने फिर तर्क दिया कि मान लीजिए आप किसी गाड़ी, जो आपने पेट्रोल भरा दिया गाड़ी में, और उस गाड़ी से क्या कर रहे हैं, ऊंचाई पर चढ़ते हैं, तो इंजन को एनर्जी चाहिए, फ्यूल एनर्जी। तो फ्यूल एनर्जी इंजन को मिल रही है, ऊंचाई पे आ गए, और जैसे ही गाड़ी ढलान में आ रही है तो वहां पर क्या है, एनर्जी तो उसके पास मैक्सिमम हो गई है। तो ऐसा होना चाहिए कि जब वो फ्यूल नहीं ले रहा है तो टंकी में और उतना पेट्रोल आ जाना चाहिए। कैसे, मान लीजिए आप क्या है, एक चढ़ाई हुई, यहां पर आपने क्या किया, किसी गाड़ी को लेकर आप जा रहे हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, फ्यूल कंज्यूम होगा। लेकिन यहां पर जब हम ऊंचाई पर आ जाएंगे तो फ्यूल कंज्यूम तो हो नहीं रहा है। जब फ्यूल कंज्यूम नहीं हो रहा है तो इसका मतलब जब हम नीचे आएंगे तो फिर जो हमारी एनर्जी एक्स्ट्रा आ रही है वो हमारे फ्यूल के रूप में टंकी को मिलनी चाहिए। तो ये उन्होंने वहां पर सिद्धांत दिया, जिससे क्या होगा कि जो पहला लॉ है, लॉ जो आपका थर्मोडायनामिक का जो पहला नियम था वो वहां पर क्रैक करेगा। तो फिर वहां पर क्या होगा कि द्वितीय नियम क्या कहता है,
जो थर्मोडायनेमिक ऊष्मागतिकी का जो सेकेंड लॉ है वो क्या कहता है, वो कहता है कि कभी, मतलब सेकेंड लॉ के अनुसार क्या है, ऊष्मा कभी ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की तरफ स्वतः ही प्रवाहित नहीं होती है। मतलब क्या है कि जो हीट है वो कभी भी ठंडी वस्तु की तरफ अपने आप डाइवर्ट नहीं होती है, वहां पर क्या है उसको जाने के लिए माध्यम की जरूरत होगी। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर आप एक गर्म बॉल रख देते हैं और उसी के बगल में ठंडी बॉल रख देते हैं तो जो गर्म बॉल की हीट है वो ठंडी बॉल की तरफ अपने आप नहीं जाएगी विदाउट किसी माध्यम के, उसको माध्यम की आवश्यकता होगी। मतलब बिना माध्यम के हीट कोल्ड में या कोल्ड हीट में कन्वर्ट नहीं हो सकती है। तो यहां पर क्या होगा कि जो केल्विन फ्लैंक थे उन्होंने एक अपना एक सिद्धांत दिया, केल्विन फ्लैंक क्या कहते हैं, केल्विन कहते हैं, तो आप समझ गए सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक ये कहता है कि हीट मतलब जो आपका हायर टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर की तरफ बिना माध्यम के नहीं जा सकता है, उसको माध्यम की आवश्यकता हो, जिसमें केल्विन फ्लैंक का कथन था कि कोई ऐसा इंजन बनाना संभव नहीं है जो कि साइक्लिक प्रक्रम पर आधारित हो, मतलब साइक्लिक प्रोसेस कर सके। ठीक है, मतलब क्या करें, आप हीट एनर्जी को वर्क एनर्जी में कन्वर्ट करें और वर्क एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, ये आपका केल्विन फ्लैंक का स्टेटमेंट था। तो आपका जो डी क्यू मतलब आपकी जो हीट है इसको आप डी डब्ल्यू में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, मतलब टोटली आप इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, कहीं ना कहीं ऊर्जा का क्षय होगा। तो इसी सीरीज को बढ़ाते हुए क्लेसियस का कथन था, क्लेसियस क्या कहते हैं कि ऊष्मा स्वतः किसी ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर प्रवाहित नहीं होती है जब तक कि किसी बाह्य युक्ति या बाह्य सिस्टम का प्रयोग नहीं किया जाए। तो ये कथन किनका था, ये था पर क्लेसियस का। तो आप समझ गए कि सेकेंड लॉ क्या कहता है, सेकेंड लॉ है कि कभी भी हायर टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर की तरफ बिना किसी माध्यम के नहीं जा सकता है। जैसा कि देखा होगा आपने स्पेस में जब लोग जाते हैं तो वहां माध्यम चाहिए, बिना माध्यम के तो आप बात भी नहीं कर सकते हैं। पृथ्वी पे हम लोग बात क्या करते हैं, क्योंकि यहां पर मीडियम है, मीडियम होने के कारण यदि हम बोलते हैं तो वो आवाज आपके पास आती है और आप बोलते हैं तो वो आवाज हमारे पास आती है। तो बिना किसी माध्यम के हीट को बर्क में ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। और जैसा कि पिछले फर्स्ट लॉ में कहा था कि जूल ने क्या किया था कि पूरी बर्क को हीट में कन्वर्ट किया और हीट को बर्क में कन्वर्ट कर दिया वो साइक्लिक प्रोसेस के थ्रू, बट यहां पर वो कहते हैं क्लेसियस, वो कहते हैं कि आप जो हीट है हीट डी क्यू को आप डी डब्ल्यू में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये सिद्धांत थे सेकेंड ऑफ थर्मोडायनेमिक के। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे, छोटी सी वीडियो थी और छोटे से ही डाउट थे। तो ये आपका जो टॉपिक है ये आपका फिजिक्स 11 12th में भी मिल जाता है और इंजीनियरिंग में भी ये टॉपिक आ जाता है, क्योंकि ये फंडामेंटल बेस है, चाहे आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं या चाहे कोई भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर स्टेटमेंट पूछे जाते हैं, क्लेसियस का और आपके फ्लैंक के स्टेटमेंट पूछे जाते हैं और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के बारे में भी पूछा जाता है। तो आशा करते हैं कि आपको ऊष्मागतिकी का सेकेंड लॉ आसान और सरल भाषा में समझ में आ गया होगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप पहले से सब्सक्राइब है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।